हेलो फूड लवर्स, स्वीटर्स और किचन में आपका स्वागत है। मैं सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ केक की रेसिपी, टी टाइम केक, जिसे कि हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और घर में मिलने वाले सामान से। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। टी टाइम टूटी फूटी वनीला केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 100 ग्राम में हम मैदा मेजर करेंगे तो ये 180 ग्राम मैदा है और आप इस तरह का कोई भी बाउल मेजर कर लीजिए। मैंने ये 1.5 बाउल मैदा लिया है और कप से मेजर करते हैं तो 1 कप मैदा ये 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर है, इस चम्मच से ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सब चीजों को छान लेंगे अच्छे से। फ्लेवर के लिए हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, आप इसकी जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं 1/2 टेबल स्पून। बैटर बनाने के लिए हमने लिया है ये 1/2 कप बटर, वेट में लगभग 100 ग्राम है ये। पहले से अच्छे से हम फैट लेंगे, बटर अच्छे से हमने फैट लिया है, ये देखिए फ्लफी हो गया है। अब इसमें हम ये पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, चीनी को हमने पीस के रखा हुआ है और ये भी 1/2 कप चीनी है। चीनी बटर में अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें ये मलाई ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो आसानी से घर में मिलने वाली चीज़ें हैं, 2 चम्मच हम इसमें मलाई ऐड कर रहे हैं। बटर की जगह आप इसमें देसी घी का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल का। यदि आप देसी घी का यूज कर रहे हैं तो उसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लें। अब हम इसमें ये दूध ऐड कर लेते हैं, ये दूध भी 1 कप दूध है मेजरमेंट के हिसाब से। दूध और मलाई रूम टेम्परेचर का है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इसे एक साइड रख देते हैं और अपना ओवन हम तैयार करते हैं। ये है हमारा देसी ओवन कढ़ाई, आप कुकर में या भगोने में भी इसको बना सकते हैं। इसको हम प्री हीट करने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर और इस तरह का कोई भी जाली स्टैंड या कटोरी आप इसमें सेट कर दीजिए और एक बड़े बर्तन से इसको कवर कर दें ताकि इसमें से हीट बाहर ना आए और इसको हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं। केक बनाने के लिए हमने ये मोड़ लिया है, आप किसी भी इस तरह के बर्तन में केक बना सकते हैं और इसको हम पहले ग्रीस कर लेते हैं चारों तरफ से। थोड़ा सा मैदा डाल के इसमें मैदा की कोटिंग कर देते हैं ताकि केक को डीमोल्ड करने में आसानी रहे, या फिर इसके अंदर हम बटर पेपर भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैदा को हम इसमें से निकाल देते हैं। टूटी फूटी में भी हम जो है थोड़ा सा मैदा लगा देते हैं ताकि ये बैटर में नीचे ना बैठे, मैदा की कोटिंग होने से ये टूटी फूटी बैठेगी नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगी। अब हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं, इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके वाला बैटर डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे और इसको हम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। बैटर हमारा तैयार है, हमें इस तरह का बैटर रखना है। बैटर बिल्कुल तैयार है, अब इसमें हम ये टूटी फ्रूटी ऐड कर देते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम इस मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं।
हल्का सा इसको हम एक दो बार टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर है तो वो निकल जाए। ऊपर से थोड़ी सी हम चेरी लगा देते हैं, सॉरी टूटी फूटी। अब इसको हम अपने देसी ओवन में रखते हैं बेक करने के लिए। दो मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। लगभग 30 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा केक हमारा फूल कर आया है। नाइफ एकदम से साफ निकला है, केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है, सॉरी बेक हो चुका है। थोड़ा सा कलर डालने के लिए अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए और बेक कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, देखिए केक में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम बंद करके केक को बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा इस पे बटर लगा देते हैं ताकि इसमें सॉफ्टनेस रहे। और एक गीले कपड़े से हम इसको कवर कर देते हैं, जो इसमें हीट है वो अंदर रहेगी और ये सॉफ्ट रहेगा। और इसको ठंडा होने देते हैं, 20-25 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। केक अच्छे से रेस्ट हो चुका है, अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। साइड से थोड़ा हम इसको चाकू की हेल्प से हटा लेते हैं। ये कितना इजीली इसमें से डीमोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं केक हमारा कितना फ्लफी बना है। इसे हम पीसेस में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं केक हमारा कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। रेडी टू ईट।